सर, अगर किडनैपर साइड से कॉल नहीं आता तो हम अपनी साइड से कुछ कर सकते हैं, होंगे ना, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आपके पास। अगर कॉल आएगा जल्दी ट्रेस हो जाएगा इस बारी का कॉल अगर आएगा तो। सुनिए प्लीज, आप लोग अंदर जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे, हम लोग सब संभाल लेंगे। बस आप लोगों में से एक ऐसा इंसान छोड़ दीजिए जो फोन पर बात कर सके, बाकी सब हम हैंडल कर लेंगे। इंस्पेक्टर, आपने सुना नहीं दी ने क्या कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ इंस्पेक्टर, घर की बेटी की जान का सवाल है, आपको मैं अंदर जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? रहने देना पुत्र, यहाँ कम से कम पारों की खबर तो मिलती रहेगी। अंदर जाके तो जो बच्चे खुचे जाने वो भी सूख जानी है। नानी सही कह रही है, वैसे भी ये हमारा घर है, हम कहीं बाहर या फिर किसी और जगह पे थोड़ी है। हम यही बैठेंगे, हमसे झेले नहीं जाएगा सस्पेंस सर। हम यही शांत होकर बैठे हैं। आपकी परेशानी को समझते हैं, लेकिन आप लोग हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं। आप बताइए, जब कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसके ऑपरेशन थिएटर में कोई उसका रिश्तेदार होता है? नहीं होता है ना। अगर डॉक्टर उसके जज्बात, उसके चिंता और उसके डर को समझेगा तो ऑपरेशन कैसे कर पाएगा? हाँ, इसी तरह से ये हमारा ऑपरेशन है और हम भी आपके चिंता और डर की परेशानी को सोचेंगे तो फिर हम पारों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो प्लीज हमें कोऑपरेट कीजिए और जाइए प्लीज। सर प्लीज अंडरस्टैंड। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। जब तक मेरी बेटी वापस नहीं आ जाती ना तब तक मैं यही रहूंगी। मैम प्लीज। नहीं, कहा ना मैंने कहीं नहीं जाऊंगी मैं। कोई कहीं नहीं जाएगा, और अगर मैं कहीं जाऊंगी ना तो बाहर जाऊंगी, अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बाहर जाऊंगी मैं, समझे आप? हम आपकी बेटी के बारे में ही सोच रहे हैं, उसी की चिंता कर रहे हैं, उसी को ढूंढ रहे हैं। नहीं ढूंढ रहे आप लोग, नहीं ढूंढ रहे आप लोग, बस यहाँ खड़े होकर कब से बातें किए जा रहे हैं। अरे आप लोग को बाहर होना चाहिए, उसे ढूंढ कर लाइए मेरी बेटी, वो बेचारी 6 साल की बच्ची है वो। आप लोग तब से यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, उसके बारे में सोचिए। वो अकेली है, ये वर्दी, अपनी वर्दी के फर्ज के बारे में सोचिए। आप लोग हमारी सुरक्षा के लिए है ना, तो कीजिए ना सुरक्षा, निभाइए अपना फर्ज, ढूंढिए मेरी बेटी को जाके बाहर। आप लोग को जो करना है कीजिए, नाकाबंदी कीजिए सब जगह पे, पूरे शहर में। आप लोग बाहर जाइए, मेहनत कीजिए, भाग दौड़ कीजिए, सारे पुलिस स्टेशन में सब लोगों को इन्फॉर्म कीजिए, दूसरी जगह सब जगह रेड अलर्ट कराइए, कुछ तो कीजिए, यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? प्लीज जाइए ना बाहर, प्लीज मेरी बेटी को ढूंढ के लाइए, प्लीज प्लीज। लक्ष्मी पुत्र, तो आप बच्ची, तो आप बोलो ना दादी, इनको कर रहे नहीं कर रहे, वो कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पर खड़े हुआ, आप बोलो ना वो ढूंढ के लाएंगे बाहर, ढूंढ के लाएंगे। नहीं जा रहे वो बेचारी, कब से बाहर है, कब से, उसके बारे में कुछ नहीं पता है वो। अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना उसको, दादी ने ले आना चाहिए था ना ढूंढ के। आएगी आएगी। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग जाइए, ढूंढ कर लाइए उसे, जाइए। यहाँ खड़े होने से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर आप लोगों की जरूरत नहीं है। किडनैपर का फोन आएगा तो आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। आप प्लीज जाइए, उसे ढूंढ कर लाइए। वो कार के बारे में पता कीजिए ना, वो कार जिससे उसे किडनैप कर लिया उसके बारे में पता कीजिए, वो कार कहाँ है, वो कहाँ है मेरी बेटी, मेरी कहाँ है वो, प्लीज उसे। फिर से फोन आ रहा है, आई एम श्योर किडनैपर का होगा। हेलो रुचि। लक्ष्मी, मैं बात करता हूँ, आप उसे अपनी बातों में उलझा के रखिए, मैं फोन ट्रेस करता हूँ। जी हेलो हेलो। लक्ष्मी जी। नहीं, ऋषि ओबराय बात कर रहा हूँ, पारो का पिता। मेरी बेटी तेरे पास ही है ना, तूने पैसे मांगे ना, तुझे शर्म नहीं आ रही क्या? इतनी छोटी सी रकम के लिए मेरी बेटी को परेशान कर रहा है। तेरी फैमिली है ना, तेरी बेटी नहीं तो बहन होगी, माँ होगी, अगर कोई उन्हें भी परेशान करेगा तो कैसा लगेगा तुझे? ये सिखाया क्या तेरे माँ बाप ने? मैंने सुनने के लिए नहीं, सुनाने के लिए फोन किया। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो बस सुनना, बोलना मत। हाँ तो सुनो, देख मैं तो ये सब जो हो रहा है ना, उसमें पुलिस को इन्वॉल्व गलती से भी मत कर। और अगर पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया है तो उनकी हेल्प मत करना। और अगर पहले से उनकी हेल्प कर रहे हो तो उनको वहाँ से जाने के लिए कह दो फौरन, क्योंकि तुमने अगर ये सब नहीं किया ना तो तुम्हारी बेटी के लिए बहुत बुरा होगा, बहुत ज्यादा बुरा, इतना बुरा कि तुम सोच भी नहीं सकते। देखो मैं तुम लोगों को, बात पूरी नहीं हुई है मेरी। मैंने 15 लाख मांगे थे बट अभी मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि तुम तो ऋषि हो रहे हो। 50 लाख निकालना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो। देखो तुम लोग ना, लक्ष्मी, हेलो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी, मैं सारे पैसे मैं दे दूंगी पैसे, बस प्लीज मुझे एक बार मेरी बेटी से बात करा दो। प्लीज कहाँ बात हो, उससे मेरी बात करा दो प्लीज एक बार। हेलो 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 ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या बात है? ये किडनैपर इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? हम यहाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे सब पता है उसे, बट कैसे? पहले उसने 15 लाख मांगे और अब 50 लाख। ये बात उसको कैसे पता चली? कैसे? मिस मनीषा, हाँ? मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे? मुझसे क्या बात करनी है आपको? वो आपको पता चल जाएगा। आइए आइए प्लीज। पागल है क्या तू? दिमाग नहीं है तुझमें? मैं बात कर रहा था ना, क्यों फोन कट किया? नहीं कट करता ना तो हम कट लेते सीधा जेल में, और ये फोन नंबर ना ट्रेस हो गया होता और उन लोगों को पता चल जाता कि हम कहाँ हैं, हमारी लोकेशन मिल जाती। आई बात तेरे दिमाग में? अभी दिमाग में सिर्फ पैसा घूम रहा है, नहीं समझ आ रहा है कि वो पैसा देंगे भी या नहीं। भाई तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? वो तो हम पता कर सकते हैं ना कि पैसा मिलेगा कि नहीं। पता कर सकते हैं? कैसे? डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।